अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल टुडे। आई एम योर टीचर ईमान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7 न्यू काउंटडाउन की मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक टीच करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। मैंने टाइप्स ऑफ सेट्स को आज विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। आपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने के लिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। बिफोर स्टार्ट टुडे टॉपिक, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन बटन। डियर स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर को अच्छे से समझना है और अपने तमाम फ्रेंड्स से शेयर करना है। चले डियर स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, और वो क्या है? टाइप्स ऑफ सेट्स। हमारी जो पहली टाइप है वो है एम्प्टी सेट की। A set containing no elements is called empty set. कि वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? Empty set, या उसे हम फाइव से शो करेंगे, या हम दोनों तरफ करली ब्रैकेट्स होगी, दरमियान में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। ये दोनों इसे शो कर रहे हैं, empty set को। अब एग्जाम्पल देखिए, a number between 4 and 5। देखिए 4 और 5 के दरमियान कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। सेट, अ सेट कंटेनिंग फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होते हैं कि आपके महदूद नंबर होने चाहिए, जिनके वो नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो एलिमेंट्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे एन हो गया इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक भी है, ये हम काउंट कर सकते हैं। ओ है वो 1 से लेकर हमने 9 तक लिखा हुआ है सेट के अंदर, तो हम इसे भी काउंट कर सकते हैं। वो सेट्स जिनमें हम एलिमेंट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं? फाइनाइट सेट। हमारा जो नेक्स्ट सेट है वो कौन सा होगा? इनफाइनाइट सेट। अ सेट कंटेनिंग नो फाइनाइट और अनलिमिटेड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। वो सेट जिसमें क्या होते हैं? लामहदूद, अनलिमिटेड क्या होते हैं? आपके एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि अब हमने मैंने काउंटिंग स्टार्ट किया सेट में 1, 2, 3, 4, 5, अब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जा रही थी, अनलिमिटेड है, तो हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। इसी तरह बी हमारा क्या? 2, 4, 6, 8, 10, अब मुझे ये नहीं मालूम ये कहाँ तक जाएगा, ये क्या होगा हमारा? इनफाइनाइट सेट। अब देखिए नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, अब हमें नहीं पता ना स्काई में कितने स्टार्स होते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। अब हम बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट अपने नेक्स्ट सेट की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट सेट है वो क्या है? डिसजॉइंट सेट। सेट्स दैट हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। देखिए अगर हमारे पास दो सेट्स हों और दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट सेम ना हो तो हमारा क्या होगा? डिसजॉइंट सेट। अब देखिए मेरे पास ए सेट है उसमें 1, 2, 3, 4, और बी सेट में क्या है हमारे पास? 5, 6, 7, 8। अब देखिए दोनों में कोई भी ऑब्जेक्ट सेम या एलिमेंट सेम नहीं है तो ये दोनों क्या होंगे आपस में? डिसजॉइंट सेट। वो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा, रिजेम्बलेंस नहीं होगी, वो हमारे डिसजॉइंट सेट होगी। चलिए अपने नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेट क्या है? ओवरलैपिंग सेट। सेट्स दैट हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। क्या मतलब है इसका? कि एट लीस्ट यानी कि कम से कम एक एलिमेंट या ऑब्जेक्ट दोनों सेट्स के दरमियान में क्या होना चाहिए? सेम, वरना एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है एक सेट में, दूसरे में 2, 3, 6, 7, 8। अब ये देखिए ए और बी में 2 और 3 क्या है? सेम है, तो हमारा ये कौन सा सेट होगा? ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है? एटलीस्ट वन सेट आपका क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स दोनों सेट्स में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एटलीस्ट हमारा 2 भी हो सकते हैं और सबके सब भी हो सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? ओवरलैपिंग सेट। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि सेट्स दैट हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या मतलब है कि आपके पास जितने भी सेट्स गिवन हैं अगर उनके एलिमेंट्स की तादाद दूसरे सेट के एलिमेंट्स की तादाद की क्या होगी? इक्वल होगी, तो वो दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट। जैसे ए इक्वल है बी के, क्योंकि ए के अंदर 5 और बी में भी 5 एलिमेंट्स है, तो दोनों ए और इज इक्वल टू बी, इट्स मीन कि ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट सेट।
सेट्स दैट हैव इक्वल नंबर, क्या मतलब है कि दोनों सेट्स की तादाद क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, वो क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। चले अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट की तरफ। और हमारा नेक्स्ट सेट क्या है, इक्वल सेट। सेट्स दैट हैव द सेम एलिमेंट्स, क्या मतलब है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। देखिए ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी भी क्या है 1 से लेकर 6 तक है। देखिए अब इनकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो सकती है कि 2 पहले आ जाएगा, 4 बाद में, 5 बाद में, 6, लेकिन ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर वो बिल्कुल सेम होंगे तो हमारा सेट क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। अब ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए इक्वल है हमारे किसके, बी सेट के। आपने ख्याल रखना है इक्विलेंट की डिफरेंस को इक्वल सेट के डिफरेंस से चेंज रखना है कि इक्विलेंट के अंदर तादाद का इक्वल होना और इक्वल सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स का सेम होना ज़रूरी है। आप दोनों, आप लोगों ने इक्विलेंट और इक्वल सेट के अंदर अपना डिफरेंस रखना है। अब हमारा नेक्स्ट सेट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन इट इज़ डिनोटेड बाय यू, क्या मतलब है कि इसके अंडर में क्या होते हैं, तमाम सेट होते हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट होता है, यू से शो करते हैं। अब देखिए एक सेट है यू इज इक्वल टू 1, 2 से लेकर 5 तक। अब यहाँ से मैंने एक सेट ए निकाला है 1, 2, 3 और बी सेट क्या निकाला है 4, 5। अब ए और बी में जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब किस में मौजूद हैं, यू में। तो यू हमारा क्या है, जो हमारे अंडर कंसिडरेशन सेट कौन कौन से हैं, ए और बी, इनका क्या है, यूनिवर्सल सेट। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, जितनी भी टाइप्स हैं विद एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हुई है। अगर आपसे पेपर्स में या किसी भी टाइम कोई क्वेश्चन किया जाएगा तो आप इजीली आंसर कर सकती हैं। अगर आपको इस दौरान कोई भी मुश्किल पेश आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, और कोई भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।